अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती महमूद जुबैर कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना आंध्र प्रदेश आपदराज से मुखातब हूँ। आज बहुत ही अफसोसनाक दिन है तेलंगाना का कि तकरीबन 4 से 5 हजार बलवाइयों के जरिए से जैनूर जिला आसिफाबाद के मुसलमानों की अमलाक, उनकी मसाजिद, उनका मदरसा तबाह करने की कोशिश की गई। ये रियासत तेलंगाना के ऊपर एक बदनुमा दाग है। ये आज का कोई नया वाकया नहीं है, बल्कि ये मंसूबा बंद साजिश का कोई हादिसाती वाकया नहीं है, मंसूबा बंद साजिश का हिस्सा है। ये तकरीबन 3 से 4 महीने पहले से इस किस्म के हालात वहां पे रूनुमा हो रहे हैं, लेकिन इंतजामिया और पुलिस सो रही है। उसे इस बात का कोई ख्याल नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सख्त से सख्त इकदामात करे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज एक बहुत ही दर्दनाक वाकया पेश आया। तकरीबन 85 से 90% दुकानात तबाह की गई हैं मुसलमानों की, और तकरीबन 4 मसाजिद, जामे मस्जिद, मस्जिद नूर, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद उमर पर हमला करने की कोशिश की गई और उसको नुकसान पहुंचाया गया। मदरसे के ऊपर, मदरसा काशिफुल उलूम के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। ये सारे के सारे वाकियात ये बताते हैं कि तेलंगाना की जो हुकूमत है, उस हुकूमत को जैसे काम करना चाहिए था, वो हुकूमत उस तरीके से काम नहीं कर रही है। इंतजामिया को जिस तरीके से इकदामात करने चाहिए, इंतजामिया उस किस्म के इकदामात नहीं कर रही है। वन पड़ती का वाकया पेश आया, लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि जो खाती लोग हैं उन्हें गिरफ्तार करो। मुस्लिम बच्चियों पर जो स्कूल में पढ़ने के लिए गए हुए थे, उनकी ओढ़नी पकड़ के, उनका खिमार पकड़ के खींचा गया और उन्हें नमाज पढ़ने से रोका गया। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक भी वो मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उन पर दफात जो लगाई जानी वाली थी और उन्हें सलाखों के पीछे धकेला जाना था, उस सिलसिले में इंतजामिया ये कहती है कि हमें वो मुलजिम मिल ही नहीं रहे हैं, जबकि एक मजलिस के अंदर पुलिस मौजूद है और वो मुजरिम मौजूद हैं। ये हालात बता रहे हैं कि तेलंगाना जो एक पुरअमन रियासत रही है, जहां की आवाम पुरअमन आवाम रही है, वहां के हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मुझे हैरत है कि तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं, या क्या उन्हें गफलत में रखा जा रहा है, उनके इल्म में ये वाकियात नहीं लाए जा रहे हैं, ये इंटेलिजेंस फेलियर का नतीजा है, या इसकी क्या वजूहात हैं। वरना सिर्फ 8 से 9 महीने हुए हैं इन्हें इख्तदार में आए हुए और 18 वाकियात अब तक पेश आ चुके हैं। संगारेड्डी में राम मंदिर के जश्न के मौके पर वाकियात पेश आए, नारकटपल्ली की मस्जिद का वाकया पेश आया, वनपड़ती का वाकया पेश आया, मेदक के अंदर भयानक फसादात हुए, और ईद कुर्बान के मौके के ऊपर बीसियों जगह मुसलमानों को परेशान किया गया और उन्हें अपने फरीजे की अदायगी से रोका गया। मुझे अफसोस है, बड़ी हैरत है कि क्यों ये कांग्रेस हुकूमत, रेवंत रेड्डी की हुकूमत, मुलजिमीन के खिलाफ और मुजरिमीन के खिलाफ क्यों सख्त इकदाम नहीं कर रही है। आज उसका नतीजा है कि जो फिरका परस्त अनासिर हैं, जो अमन व अमान के दुश्मन अनासिर हैं, उनके हौसले बुलंद हो गए हैं और वो पुलिस और इंतजामिया की परवाह किए बगैर इस किस्म के इकदामात कर रहे हैं। जैनूर के अंदर भी पुलिस के जो अफराद मौजूद रहे हैं, उनके आंखों के सामने तबाही हुई है। आज भी, आज की रात में, मैं अभी 10 मिनट पहले भी वहां के जिम्मेदारों से, वहां के अफराद से मैंने बात की है, वो कहते हैं कि मुफ्ती साहब, पता नहीं आज की रात कैसी गुजरेगी हमारी। इस खौफ के अंदर, इस दहशत के अंदर क्यों तेलंगाना का एक शहरी जिंदगी गुजार रहा है, सोचने की जरूरत है और इस सिलसिले में सख्त से सख्त इकदामात लेने की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर पूरी जिम्मेदारी के साथ इस रियासत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की फिक्र करें और इस सिलसिले में जो फिरका परस्त अनासिर और गुंडा अनासिर अमन अमान को तबाह करना चाहते हैं, आम लोगों के ऊपर जुल्म करना चाहते हैं, उन पर ज्यादती करना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त इकदाम करें।